नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। वसुंधरा सरकार ने की थी ललित मोदी को पद्म सम्मान की सिफारिश। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी से संबंधों को लेकर विवादों में घिरी वसुंधरा की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। एक चौंकाने वाले खुलासे में पता चला है कि राजस्थान खेल परिषद ने ललित मोदी को पद्म सम्मान देने की सिफारिश की थी। सूत्रों के मुताबिक 2007 में राजस्थान खेल परिषद ने तत्कालीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर मोदी को पद्म अवार्ड देने की सिफारिश की थी। उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। वसुंधरा राजे की सरकार ने दो तरह से ललित मोदी का नाम शामिल किया गया था। इसमें पहले से सिर्फ ललित मोदी का नाम शामिल था, जबकि दूसरे में ललित मोदी के साथ एक और नाम को जोड़ा गया था। हालांकि केंद्र सरकार ने उनकी सिफारिश को मंजूर नहीं किया था। हेमा मालिनी का दावा, हादसे के लिए बच्ची के पिता ही दोषी। दौसा के पास सड़क दुर्घटना में घायल हुई अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने ट्वीट करके इस दुर्घटना के लिए इसमें मारी गई बच्ची के पिता को दोषी ठहराया है। हादसे के कई दिनों बाद इस पर चुप्पी तोड़ते हुए हेमा ने ट्वीट कर कहा कि अगर बच्ची के पिता ने ट्रैफिक नियमों का पालन किया होता तो यह हादसा नहीं होता, न ही बच्ची की जान गई होती। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही है। मैं हादसे के बाद सदमे में थी, लेकिन तब भी मीडिया ने सनसनी फैलाई। हादसे के बाद हेमा को बच्ची और जख्मी परिवार को उसके हाल पर छोड़कर जयपुर चले जाने का आरोप लगा है। हेमा के ड्राइवर पर ओवर स्पीड का भी आरोप लगा है। अब ईद भी कश्मीर में मनाएंगे पीएम मोदी। बाढ़ पीड़ितों के साथ दिवाली मनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईद मनाने के लिए अब कश्मीर आ रहे हैं। मोदी 17 जुलाई को श्रीनगर में इफ्तार पार्टी आयोजित कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मोदी पूर्व सांसद एवं मंत्री गिरधारी लाल डोगरा की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जम्मू का दौरा करेंगे और उसी दिन श्रीनगर भी जाएंगे। पिछले साल मोदी ने दिवाली पर पीड़ितों के आग्रह पर राहत राशि को सीधे उनके बैंक खातों में भेजने का ऐलान किया था। कहा जा रहा है कि ईद के अवसर पर भी राहत पैकेज जारी करेंगे।